नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले आप सभी से अपील यही है कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि मास्क ही कोरोना से सबसे बड़ा बचाव है। और इसीलिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #MaskPehnoIndia। एक बार फिर से आप सभी से अपील कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क से ही आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, ये कि कांग्रेस के खिलाफ जिस तरीके से पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है, उसमें अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस आला कमान की तरफ से पंजाब कांग्रेस पर, ये बहुत बड़ी खबर है जो आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर के मुताबिक, हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी दे दी है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि हरीश रावत ने अमरिंदर सिंह को बता दिया है कि यह पार्टी का फैसला है। खबर यह भी है कि पंजाब में कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के साथ ही कैप्टन की पसंद के 3 या 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए जाएंगे। इस फैसले का आज ही ऐलान किया जा सकता है। हरीश रावत की सोनिया गांधी से बातचीत के बाद अंतिम फैसले की घोषणा हो सकती है। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी दे दी है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से नीरज कुमार हमारे साथ हैं, चंडीगढ़ से उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उमेश, आपके पास आते हुए जरा बताइए इस वक्त क्या अपडेट। गायत्री, देखिए कि जिस तरह से हरीश रावत का सुबह यहां पर आना, सीधा कैप्टन से मिलना और वापस जाना, सिर्फ एक मैसेज लेकर आए थे सोनिया गांधी का, कि जो तमाम पिछले दिनों एक गहमागहमी रही पंजाब कांग्रेस को लेकर, तमाम मीटिंग्स का दौर जारी रहा, नवजोत सिद्धू को जब सोनिया गांधी से मिलने गए, उसके बाद नवजोत सिद्धू वापस आए, फिर कैप्टन की एक चिट्ठी नाराज की जो गई कि नाराज़ हैं कैप्टन, और कुछ उन्होंने चिट्ठी में बातें लिखी, फिर हरीश रावत का सुबह आ जाना, कैप्टन से मिलना और एक संदेश देना साफ साफ कि हाईकमान ये चाहती है नवजोत सिद्धू को प्रेसिडेंट बनाया जाए। लेकिन कैप्टन की जो तमाम अपनी बातें रही, जो अंदर की छन छन कर खबरें आ रही हैं, हालांकि किसी भी राजनीतिक पार्टी की जब नियुक्ति की बात होती है, जब तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन, वो लेटर पैड, वो जो प्रेस रिलीज है, वो नाम ना आ जाए, वो तब तक आपको पता है कि एक प्रोसीजर है। लेकिन जो छन कर खबर आ रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि ये तो तय बता दिया कि नवजोत सिद्धू को पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी ने कह दिया कि हाँ वो पार्टी प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन साथ में कैप्टन की पसंद के जो वर्किंग प्रेसिडेंट, जो कार्यकारी अध्यक्ष की बात है कि वो कैप्टन के भी लोग हों, और अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जो 2022 के चुनाव में कैप्टन चेहरा होंगे, तमाम जिस तरीके की बातें हैं, कहीं ना कहीं ये संदेश तो दे दिया है कि नवजोत सिद्धू के नाम पर औपचारिकता सिर्फ रह गई है। रही बात कि क्या उनके साथ वर्किंग प्रेसिडेंट लगाए जाएंगे, कितने लगाए जाएंगे, और वो जाहिर तौर पर वो कैप्टन के ही खेमे के होंगे, उस पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माथापच्ची और जो ऐलान होना बाकी है वो तमाम चल रहा है। आज हमारे जितने भी एमएलए से बात हुई, चाहे हरीश रावत से मिलने पंजाब के पूर्व मंत्री अश्विनी सेखड़ी पहुंचे थे हेलीपैड पर, हमने उनसे बात की, उन्होंने साफ कहा कि जो हाईकमान का फैसला होगा वो मंजूर होगा। इसके अलावा कांग्रेस के एमएलए कुलदीप वैद से हमने बातचीत की, उन्होंने साफ कहा कि खुशखबरी आने वाली है, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, इसका मतलब। और आप भी देखिए कि सुबह नवजोत सिद्धू का अगर घटनाक्रम देखें, नवजोत सिद्धू सुपर एक्टिव मोड में नजर आए। सबसे पहले वो पंचकूला, अब पहले पटियाला से अपने घर से पहुंचे पंचकूला सुनील जाखड़ से मिलने, सुनील जाखड़ कांग्रेस के अभी प्रधान है पंजाब के, उनसे मिलने गए, बाहर आकर मीडिया से दोनों ने गले मिले, फोटो खिंचाई। उसके बाद वो दूसरे तमाम मंत्रियों एमएलए से मिलने का दौर, अभी भी पटियाला घर पर मंत्री एमएलए उनसे मिलने पहुँच रहे हैं। तो तमाम एक साथ लोगों को चलने को लेकर जो कवायद है नवजोत सिद्धू की, वो शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ कैप्टन का जो ट्वीट आया कि हैड ए फ्रूटफुल मीटिंग विद हरीश रावत एंड हाईकमान का जो आदेश होगा, तमाम जो बातें उस ट्वीट में कही गई सभी को मंजूर होगा, जो इशू होगा वो हम टेकअप करेंगे। कैप्टन को भी नाराज नहीं करना चाहता हाईकमान, साथ ही सिद्धू को भी नहीं खोना चाहता। बीच का फॉर्मूला क्या है वो निकालने की कोशिश जारी है। 3, 4 या 2 या 1 जो भी वर्किंग प्रेसिडेंट साथ लगाए जाएंगे, कैसे होगा, एक फॉर्मूले पर कांग्रेस जो इस समय काम करती नजर आ रही है। संदेश साफ दिया गया कैप्टन को, और ट्वीट में भी साफ नजर आया कि जो हाईकमान का आदेश होगा वो हम सभी को मान्य होगा। जी गायत्री, ठीक है उमेश, आपके पास लौट रहे हैं। और इस बीच बता दें कि कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने आज ही चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया। हरीश रावत का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष का हर फैसला मंजूर होगा। कुछ उनकी मेरी समझ से कुछ सवाल थे जिसका निदान मुझको करना है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, दिन के उजाले की तरीके से साफ है कि
कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी ने जो पहले एक महान बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था वट एवर डिसीजन विल बी टेकन बाय द कांग्रेस प्रेजिडेंट बाय द सीपी दैट विल बी ऑनर्ड बाय मी आई विल अबाइड बाय दैट तो ही रिट्रिएटेड दैट स्टेटमेंट टुडे आल्सो मैं आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बाकी सब चीजें आप जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि और पत्रकार। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दिल्ली से सहयोगी नीरज कुमार भी बने हुए हैं। नीरज, उसी बात की जानकारी जो अमरिंदर सिंह की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि जो भी फैसला आलाकमान करेगा मंजूर होगा, वही हरीश रावत कह रहे हैं कि अमरिंदर सिंह को हर फैसला मंजूर होगा, लेकिन क्या मंजूर है? कब तक ऐलान? और इस मंजूरी को, अगर मंजूरी होती है तो उसे महान के तौर पे बताया है। जिस तरह से अमरिंदर सिंह ने जो बातें कही हैं कैप्टन हरीश रावत को, उसको महान बताया कि वो इस बात के लिए तैयार है कि सोनिया गांधी के फैसले को मानेंगे, पार्टी अध्यक्ष के फैसले को मानेंगे। देखिए, सिद्धू का अध्यक्ष बनना, जब आज के तीन दिन पहले ये खबर आई कि सिद्धू अध्यक्ष बन सकते हैं, उसके बाद पार्टी के अंदर जो है खासकर अमरिंदर सिंह की तरफ से संदेश भेजा गया पार्टी आला कमान को पत्र के जरिए कि वो तैयार, उसका नुकसान हो सकता है, इस तरह का संदेश था, पत्र था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि वो अध्यक्ष बनेंगे सिद्धू, लेकिन इसके साथ साथ क्या कॉम्बिनेशन होगा, बाकी रीजनल हेड बनाए जाएंगे, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे या उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे, इस बारे में अभी तय नहीं है। लेकिन कैप्टन के एक बयान को भी आपको ध्यान देना होगा, गायत्री की अब से थोड़ी देर पहले जो उन्होंने बयान जारी किया था उसमें यह भी कहा गया कि कुछ मसले हैं जिनको लेकर अभी हरीश रावत मैडम के पास जाएंगे और उनकी बातों को रखेंगे। तो ये माना जा रहा, आज जो पूरा घटनाक्रम चंडीगढ़ में देखा गया, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने चार पूर्व अध्यक्षों से मुलाकात किया, उनसे बातें की, ये माना जा रहा है कि जिस तरह की तस्वीरें हैं, जो वीडियो सामने आया है, नवजोत सिंह सिद्धू का अध्यक्ष बनना तय है। लेकिन हरीश रावत ने अभी इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, आपको इंतजार जरूर करना होगा। हाँ, नीरज, रोकेंगे आपको, रोकेंगे। इस बीच हरीश रावत से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी बयान सामने आया, उन्होंने हरीश रावत के साथ अपनी मुलाकात को सफल बताया और ये कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से लिया गया कोई भी फैसला सभी को मंजूर होगा। उन्होंने हरीश रावत के सामने कुछ मुद्दे उठाए जाने की जानकारी भी दी और ये बताया कि हरीश रावत ने कांग्रेस अध्यक्ष के सामने इन मुद्दों को रखने का भरोसा दिया। पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल पर पंजाब कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं। फिलहाल जो पिछले 10 दिन की अगर बात करूं पंजाब कांग्रेस को लेकर, आपने कुछ देर पहले कहा था कि जल्दी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और इंतजार जितना लंबा होता है उतना अच्छा होता है। देखिए, ये फैक्ट्स है कि जो हमारी कांग्रेस है उसका ये कल्चर है। 1885 में कांग्रेस ए ओ ह्यूम ने खड़ी की थी, उसके बाद आप देख लीजिए आज 2021 है। तब से लेके आज तक ये हमारी कांग्रेस का कल्चर है कि जो भी हमारी हाई कमांड का फैसला होता है वो हम सभी लोग मानते हैं। जो मैंने बात कही थी कि खुशी की खबर आने वाली है, ये फैक्ट है कि जो एक डेढ़ महीने से जो हमारे लीडर्स में कुछ मन मुटाव चल रहा था वो हरीश रावत जी ने उसको भी दूर किया एंड हरीश जो हमारी हाई कमांड है उसने भी दूर किया। तभी मैंने ये बोला था कि एक आधे दिन में बड़ी अच्छी खबर आने वाली है। जो हमारे बड़े नेता हैं जैसे हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका कोई मैच नहीं है। वो दूसरी बार हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो ग्रेट स्टेट्समैन। तो ऐसे ही ये जो हमारे नवजोत सिंह सिद्धू हैं, अगर उनको हमारी पार्टी हाईकमांड कोई जिम्मेवारी देती है तो मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं हमारी पार्टी के वो यूनाइट हों एंड यूनाइट होके जो हमारी 22 की इलेक्शन है उसको, उसकी तरफ ध्यान दे के 22 की इलेक्शन ने हमें जीतना है। जो सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरीश रावत, सोनिया गांधी, ये दौर किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के सामने हमने अपने विचार रखे थे। आज मेरे को हरीश जी ने याद किया था कि इधर आने के लिए मैं चल के स्पेशली आया कॉन्स्टिट्यूंसी से, और मुद्दे वही हैं कि हर कम्युनिटी को उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। हमारी पार्टी पहले भी देती आई है, अभी भी देगी, और जो भी कांग्रेस हाईकमान का फैसला होगा हम सब लोग उसको मंजूर करेंगे। मनीष तिवारी ने भी ट्वीट किया था कि दलित वोट इतने, हिंदू से वोट इतना, ये तमाम चीज़ें। देखिए, ये सच है कि पंजाब में जो दलित वोट है 33-34% है,
जो हिंदू वोट्स हैं वो 42% हैं, जिसमें 17% दलित हैं और 26% जो है वो स्वर्ण हिंदू हैं, जिसमें खत्री, ब्राह्मण, बनिया और महाजन हैं। और हर कम्युनिटी की इच्छा होती है कि हम अपने लोगों के जो मुद्दे हैं वो सरकार के डिफरेंट फोरम्स में उसको प्रेजेंट करें और उसका हल निकालें। तो मैं समझता हूँ जब तक लोग बैठेंगे नहीं होगा मीटिंग में तो मुद्दे डिस्कस नहीं होते हैं, तो इसलिए पार्टी में हर कम्युनिटी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए और मेरे को लगता है कि हाईकमांड प्रॉपर देंगे, सबको मौका देंगे कि अपनी बात जो है कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर रखें। एक लास्ट सवाल, सिद्धू प्रेजिडेंट बनने जा रहे हैं, आपने कहा हाईकमान का जो फैसला होगा मंजूर होगा। देखिए हमारी पार्टी की प्रथा है, हम लोग 70 साल से कांग्रेस में हैं, 40 साल मेरे को काम करते हुए, 30 साल मेरे फादर थे, हमने अपनी बात रखनी होती है पार्टी के फोरम के ऊपर, जो पार्टी फैसला करे हम कांग्रेस के वर्कर हैं, उसको हम मानते हैं, उसको सल्यूट करते हैं। और पंजाब कांग्रेस पर इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों के बीच आज नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष सुनील जाखड़ और 3 पूर्व अध्यक्षों से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा करते हुए उन्होंने लिखा, बुद्धिमान लोगों से चर्चा कई महीनों की शिक्षा के बराबर होती है। तो ये नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें वो मौजूदा अध्यक्ष से मिले और पूर्व अध्यक्षों से भी उन्होंने मुलाकात की। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया और लिखा, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से मिला जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, बुद्धिमान लोगों से चर्चा कई महीनों की शिक्षा के बराबर होती है। तो ये ट्वीट नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से किया गया। नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज, सबसे पहले तो यही बताइए, अमरिंदर सिंह को प्रपोजल क्या दिया गया आला कमान की तरफ से? देखिए अमरिंदर सिंह को यह बताया गया है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का पार्टी आला कमान और पार्टी ने फैसला किया है, ये पार्टी की तरफ से बताया गया, हरीश रावत ने उनको जानकारी दिया। और आप जिस तरह से सिद्धू की गतिविधियां आपने देखी होंगी वो ये बताने को काफी है कि सिद्धू को भी ये संदेश भेज दिया गया कि आपको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन अब आगे क्या, पार्टी सिर्फ अगर पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष सिद्धू अगर अकेले होते तो बात होती, कैप्टन अपने लोगों को चाहते हैं, या तो कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या रीजनल हेड के तौर पे वो अपने लोगों को बैठाना चाहते हैं। 3 भौगोलिक क्षेत्र हैं पंजाब में, उन तीनों भौगोलिक क्षेत्र में 3 अलग अलग कार्यकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कह ले या रीजनल हेड कह ले, उनको बनाना चाहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो एक जानकारी आई है। अब तक कोई आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई, जो भी खबरें आ रही हैं गायत्री अभी सूत्रों से आ रही है, सिद्धू का अध्यक्ष बनना लगभग अब तय हो गया है सूत्रों से जो जानकारी मिली है, आज या कल तक इसकी घोषणा हो सकती है, लेकिन 2 से 3 कार्यकारी अध्यक्ष अलग नाम उनके हो सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष के पद का, लेकिन वो भी होंगे। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि अभी तक आधिकारिक घोषणा या आधिकारिक बयान हरीश रावत की तरफ से भी नहीं आया है। आपको याद होगा कि जब हरीश रावत ने यह बयान दिया था कि सिद्धू की भूमिका अध्यक्ष के इर्द गिर्द ही होगी, पंजाब की कमान के इर्द गिर्द होगी, उसी के बाद पूरा बवाल मचा कि पत्र लिखा गया, तमाम लोगों ने बयान देना शुरू किया जो कि कैप्टन के समर्थक थे, सिद्धू भी अपने समर्थकों से मिले, तो उसके बाद यह पूरा मामला घटनाक्रम तेजी से बढ़ा। अब देखना होगा कि हरीश रावत, जो कि कैप्टन ने कहा है कि हम अपनी बात को भी रखे हैं हरीश रावत के पास, वो मैडम के सामने रखेंगे, देखना होगा कि अब आगे क्या होगा, आज होता है, कल होता है या फिर परसों, लेकिन सिद्धू का अध्यक्ष बनना अब लगभग तय माना जा रहा है, जो सूत्रों ने जानकारी दी है, जो पहले भी ये खबरें आई थी। नीरज लौटने आपके पास। इस बीच बता दें कि पंजाब कांग्रेस में आज मुलाकातों और बैठकों का जो सिलसिला है वो जारी, एक ओर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मुलाकात की, तो वहीं दूसरी ओर आज नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ से मुलाकात की है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैप्टन से मिले हरीश रावत, सोनिया गांधी का संदेश उनको दिया, ऐसी सूत्र बता रहे हैं, तो वहीं जाखड़ से मिले हैं सिद्धू, सुनील जाखड़ जो कि मौजूदा अध्यक्ष हैं। सिद्धू ने सुनील जाखड़ से पंचकुला में उनके घर पर मुलाकात की, मुलाकात के बाद घर से बाहर निकलते ही सिद्धू और सुनील जाखड़ एक दूसरे से गले भी मिले, सिद्धू ने जाखड़ को बड़े भाई जैसा बताया और जाखड़ ने सिद्धू को काबिल बताया। सिद्धू आज सुबह ही सुनील जाखड़ से मिलने पटियाला से पंचकुला पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मार्गदर्शन बस इन्हीं गल खत्म, बड़े भाई ने मार्गदर्शन आगे भी करते रहेंगे, आगे भी मार्गदर्शन करते रहेंगे हमेशा हमेशा हमेशा। जाखड़ साहब किवें मार्गदर्शन करते रहोगे?
देखो आप समझदार है, इज ए केपेबल मैन, एडा वड्डा विश्वास लोगों का इन्ना च है, आई डोंट थिंक ही नीड्स एनी मार्गदर्शन, पर जे जी असी पार्टी के सारे रल के इकट्ठे खड़े कोई प्रॉब्लम नहीं। 2022 च जोड़ी दोहां दी हिट होएगी, दोहां दी जोड़ी हिट होएगी जाखर साहब? फिट भी ते हिट भी और पंजाब कांग्रेस पर एक और बड़ी खबर इस वक्त की, न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू समर्थन हासिल करने के लिए चंडीगढ़ में विधायकों, मंत्रियों और कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात का ये सिलसिला आज सुबह से ही जारी है, तो समर्थन जुटाने के लिए सिद्धू लगातार मुलाकात कर रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, उन्होंने मौजूदा अध्यक्ष सुनील जाखड़ से भी मुलाकात की और इसके अलावा पूर्व अध्यक्षों से भी उन्होंने मुलाकात की। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि ये सूत्र बता रहे हैं कि आज हो सकता है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान सिद्धू का बनना फिलहाल सूत्रों के मुताबिक तय माना जा रहा है। और इस बात की जानकारी बाकायदा हरीश रावत, जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं पंजाब के, उनकी तरफ से सिद्धू को दे भी दी गई है। और इस सबके बीच हरीश रावत ने कहा है कि जो भी आलाकमान का फैसला होगा अमरिंदर सिंह को भी मंजूर होगा। तो लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ में। आप सिद्धू लगातार मंत्रियों से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, मकसद यही कि किस तरीके से समर्थन जुटाया जाए। हालांकि अभी फिलहाल नजरें हैं कि कब तक ऐलान होता है और क्या वाकई सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, जैसा कि हरीश रावत की तरफ से ये बता दिया गया है, सूत्र अभी बता रहे हैं, हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, सिद्धू से मुलाकात पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो लगातार ही मुलाकातें कर रहे हैं? नहीं, मुलाकात तो हमारी पहले भी होती रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दो महीने से हर रोज़ मुलाकात ही हो रही है, ऐसा कोई नहीं है। तो आज जो थी ज़्यादा हो गया कि वो पहले जाखड़ साहब के साथ गए, फिर इधर आ गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर पे भी हरीश रावत की आज मुलाकात चल रही है, तो आप उसको? बिल्कुल, वो देखिए, वो हाईकमांड है, हरीश रावत जो है हमारे AICC के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कोई वहाँ से बातचीत करनी होगी, वो करने आए हैं। तो क्या लगता है कि नवजोत सिंह जिस तरह से मुलाकातें कर रहे हैं, क्या उनको अध्यक्ष बना दिया गया है? ये तो हाईकमांड को पता होगा, जहाँ रावत साहब को और सिद्धू साहब कल मिलकर आए हैं, इनको पता होगा कि क्या वहाँ डिसीजन हुआ। हमारे पास तो मिलने के लिए आए हैं, तो वहाँ से जब मेरे पास आए, मैंने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स है, सभी के घर जाओ, सिर्फ मेरे घर ही नहीं जाना। हम फिर सरदार लाल सिंह के घर गए, सिद्धू साहब के, बलबीर सिद्धू, कांगड़ साहब के, जो जो भी यहाँ था उनके साथ मिलकर आए। और आइए बढ़ते आगे, कोरोना अभी भी गया नहीं है, कोरोना का जो खतरा है लगातार बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अनलॉक में बाजारों और हिल स्टेशन पर उमड़ रही भीड़ पर कई बार चिंता जता चुके हैं। केंद्र सरकार भी लगातार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जता रही है, लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि वो कोरोना के नियमों का पालन करें। लेकिन देश के जो अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें हैं बेहद चौंकाने वाली हैं और ये बताती है कि लोग कोरोना के खतरे को कितना हल्के में ले रहे हैं। जरा सी छूट मिलते ही भीड़ की शक्ल में लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश से आई ये तस्वीरें लोगों की लापरवाही की साफ तौर पर गवाह हैं कि किस तरीके से लोग बेपरवाह हो चुके हैं और उन्हें कोरोना का जरा भी खौफ नहीं। उधर हिमाचल के कई इलाकों में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से टूरिस्ट नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और मास्क को गलत तरीके से पहन रहे हैं, उससे खतरा लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने भी नियमों की अनदेखी पर चिंता जाहिर की और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। हिमाचल की ये तस्वीरें शिमला की, लगातार टूरिस्ट पहुंच रहे हैं बेखौफ कोरोना से। और इस सब के बीच जो सबसे ज्यादा गंभीर मसला है वो है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ना करना। लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी चिंता जता चुके हैं। इस सबके बीच लोगों को समझना होगा कि अभी कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है, उसका खतरा लगातार बना हुआ है। और इस सबके बीच प्रधानमंत्री की तरफ से तो यहां तक कहा गया कि जो तीसरी वेव है, यानी जो थर्ड वेव है, वो खुद नहीं आएगी बल्कि इसी तरह की लापरवाही तीसरी लहर को दावत दे सकती है।
और इस बीच आपको बता दें, कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी तैयारी तेज कर दी है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी जिलाधिकारियों को भीड़ रोकने के आदेश दिए हैं और साथ ही राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। राज्य में एक दिन में कोरोना के 7761 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि कोरोना की वजह से एक दिन में 167 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 13,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराने में भी कामयाब रहे और उन्हें अस्पताल से घर भेज दिया गया। कोरोना के खतरे के बीच लापरवाही की एक तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर से सामने आई, जहां बीजेपी विधायक शैलेंद्र सिंह का जन्मदिन मनाने के लिए उनके समर्थक बड़ी संख्या में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज परिसर में जुटे। वहां बीजेपी विधायक के समर्थक जन्मदिन के जश्न में ऐसे डूबे कि ना तो उन्हें मास्क का ख्याल रहा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। विधायक शैलेंद्र सिंह के समर्थकों ने तलवार से केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप सोचिए, अगर इस तरह के लोग इतनी बड़ी लापरवाही बरतेंगे तो फिर आम लोगों तक संदेश क्या जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। विधायक के जन्मदिन की ये तस्वीरें, जहां उनके समर्थकों ने पहले तो भीड़ जुटाई और उसके बाद ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सबके मुंह पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है। ऐसे में अगर यहां पर एक शख्स भी संक्रमित पाया जाता है तो सोचिए संक्रमण कहां तक पहुंचेगा। लेकिन ये लापरवाही, सबसे बड़ी बात है कि विधायक शैलेंद्र सिंह के जन्मदिन मनाने के लिए उनके समर्थकों की तरफ से हुई, लेकिन जिम्मेदारी विधायक की भी बनती है कि उनको रोका जाता। और इस बीच राजस्थान सरकार ने कोरोना पर नए दिशा निर्देश जारी किए। राज्य में स्विमिंग पूल खोलने पर सरकार ने आगे भी रोक जारी रखी है, जबकि सार्वजनिक पार्कों में लोग सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक जा सकेंगे। हालांकि वैक्सीन की एक डोज लगवाने वाले लोगों को सरकार ने थोड़ी राहत देते हुए पार्कों में शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक की अनुमति देने का ऐलान किया। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए गुजरात सरकार ने भी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इन शहरों में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ और गांधीनगर शामिल हैं। सरकार के आदेश के बाद इन शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और साथ ही राज्य में 20 जुलाई से वाटर पार्क और स्विमिंग पूल 60% क्षमता के साथ खोले जाएंगे, जबकि नॉन एसी बसें 100% और एसी बसें 75% क्षमता के साथ चलाई जाएंगी। सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और वाटर पार्क संचालकों को भी बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल में फिक्स चार्ज माफ करने का ऐलान कर दिया है। होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट और वाटर पार्क के बिजली बिल के फिक्स चार्जेस अब नहीं देने होंगे। आपको बता दें, बिजली बिल का जो भुगतान है वो भी नहीं करना होगा।